Good morning, dear children. How are you all? Myself, Shivani Mishra, welcoming you all in Blossom Chemistry class. Children, for class 9, already I have started your chapter of biology, that is the tissues, organs, organ system and the organism. ये आपकी बुक का chapter number 6 है आपके syllabus का. राइट इसमें ऑलरेडी आप दो वीडियोस देख चुके हैं, एक जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया था दैट व्हाट इज टिश्यूज, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट वीडियो देखा था उसमें आपने प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन देखा था. इस चैप्टर में आपको प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज दोनों को ही कवर करना है. तो पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे जिसका ऑलरेडी आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं. दो तरह के टिश्यूज हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं एंड परमानेंट टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज पहले हम कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू द परमानेंट टिश्यूज. राइट सो स्टार्ट करते हैं विद द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ऑल द टिश्यूज विच आर एबल टू डिवाइड इटसेल्फ. वो सारी सेल्स, क्योंकि सेल्स का ही क्लस्टर, सेल्स का ही ग्रुप होता है जिसको आप टिश्यूज कह रहे हैं. टिश्यूज वो सारे टिश्यूज जो एबल होते हैं इन द सेल फॉर द सेल डिवीजन, उन्हें हम मेरिस्टमैटिक. या आपको एक सामने यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, आपने पढ़ा था मेरिस्टमैटिक टिश्यूज अगर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं तो वो तीन तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. एपिकल जो सबसे ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है वो एपिकल है, ये लेंथ बढ़ाता है प्लांट की. जो सबसे नीचे का पोर्शन है उसको हम लेटरल कहते हैं. और ये जो आपको सेंटर का पोर्शन दिख रहा है जो मेन स्टेम और लीव के बीच का नोड है, तो आप नोड या इंटर नोड कहते हैं, जहाँ से लीव और स्टेम ज्वाइन हो रहे हैं वो पोर्शन कहलाता है इंटर कैलरी. तो ये टिश्यूज यहाँ पर कलेक्ट होते हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू सबसे ऊपर होंगे टिप पर, लेटरल वाले सबसे नीचे हैं, और इंटर कैलरी वाले जहाँ पर लीव और स्टेम आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पर अटैच करते हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की. इन टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं वे आर आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल और आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये सेल डिवाइड करके अपने ही जैसी दूसरी सेल का फॉर्मेशन करते हैं. सर्कुलर हो सकते हैं, स्फेरिकल यानी गोल हो सकते हैं, ओवल यानी अंडाकार हो सकते हैं, साथ ही पॉलीगन भी हो सकते हैं. पॉलीगन का मतलब जैसे आप हेक्सागन पेंटागन पढ़ते हैं ना वैसे, यानी कि जितनी 6 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है. ठीक है, इस तरह का भी शेप हो सकता है, ये ओवल शेप है, ये सर्कुलर. तो इन तरह के शेप्स के भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई एक पर्टिकुलर शेप है. ये सेल्स लिविंग होते हैं, मतलब लाइफ होती है इनमें, ये डेड सेल्स नहीं है, ये लिविंग सेल्स हैं. सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैविंग नो इंटरसेल्युलर स्पेस. जो इनका अरेंजमेंट होता है, सेल्स जो है बहुत ही पास पास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से सेल आपस में जुड़े रहेंगे, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है. राइट, तो कोई भी इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. कॉम्पैक्टली का मतलब बहुत अच्छी तरह से टाइटली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. ठीक है, ईच सेल हैज डेंस साइटोप्लाज्म. जो हर सेल में एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो साइटोप्लाज्म होता है इनमें थोड़ा सा डेंस होता है, बहुत ही लिक्विफाइड नहीं होता है, गाढ़ा होता है. एंड अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. आप सभी को मालूम है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही बड़ा सा, मतलब सेल की अकॉर्डिंग सेल बहुत छोटी है, सेल की अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियस लार्ज है और प्रोमिनेंट है. प्रॉपरली आप उसको देख सकते हैं, ये नहीं कि बहुत हल्का फुल्का है. नेक्स्ट इज वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्युलोज. जो इनकी सेल वॉल होती है, एवरीवन नोस कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की सेल वॉल बहुत ही थिन, बहुत ही पतली होती है और साथ ही में सेल्युलोज की. लास्ट वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और स्मॉल. सभी को मालूम है प्लांट्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पौधा जो अपने में फूड स्टोर रखते हैं वो वैक्यूल्स या तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में होते ही नहीं हैं, या फिर अगर होते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, मूव करते हैं टुवर्ड द फंक्शन ऑफ दिस एपिकल इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. सी, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट, दैट इज द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. डायग्राम में भी बना हुआ है. एपिकल कहाँ है? एपिकल है अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स. जो जड़ें होती हैं और जो तना होता है उनके बिल्कुल
इंक्रीज करती जाएगी, लेंथ प्लांट की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेटर। लेटर वाले अरेंज करते हैं पैरेलल, पैरेलल अरेंज करते हैं। यहाँ पर आपको लाइन दिखाई देंगी, ये लाइन से पैरेलल, पैरेलल का मतलब लंबाई में लंबे लंबे एक साथ अरेंज रहते हैं। इनका क्या क्या होता है, ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा प्लांट जब छोटा होता है धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो लंबाई नहीं बढ़ती है, वो चौड़ा भी होता है। तो ये क्या करते हैं, जब इनका सेल डिवीजन होता है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे जैसे ये फैलते जाते हैं वैसे वैसे प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती जाती है और एपिकल जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्लांट की लंबाई बढ़ती जाती है। साथ ही में इंटरपैरेलल क्या करते हैं, ये मिलते हैं आपको बिटवीन द इंटरनोड्स एंड लीफ शीट। बस ये आपको जैसे जैसे लीफ बढ़ जैसे जैसे ट्री बढ़ता जाएगा लीफ और इंटरनोड्स होते जाएंगे उनके बीच में इंटरपैरेलल की सेल डिवीजन करके बढ़ती चली जाएगी। पत्ते पुराने होंगे, तने पुराने होंगे, राइट। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हैं, राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।